नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, विगत कई वर्षों से हिंदी साहित्य के प्रश्नों का रूप बदलता आया है। पहले 60 नंबर के प्रश्न हुआ करते थे, फिर आपने देखा होगा कि 30-30 नंबर के दो खंड में प्रश्न पूछे जाने लगे, फिर आपने देखा होगा कि उनके 3-3 खंड किए गए, 10-10 नंबर के, 15-15 नंबर के, 25 नंबर तक के भी प्रश्न। इसका अर्थ है कि विषय को इस गहनता के साथ तैयार किया जाए कि प्रश्नों का आकार प्रकार जो भी हो उत्तर लिखा जा सके। दोस्तों, कई वर्ष पहले एक परंपरा शुरू हुई हिंदी साहित्य में प्रश्नों को लेकर के कि दो धाराओं पर तुलनात्मक प्रश्न भी पूछे जाने लग गए। और इसी प्रक्रिया में कभी पूछ लिया जाता है संत धारा और सूफी धारा का अंतर बताएं, कभी पूछ लिया जाता है दिनकर और मैथिली शरण गुप्त की तुलनात्मक चेतना, तो कभी छायावाद प्रगतिवाद पर तुलनात्मक चर्चा, तो कभी समता मूलक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे भक्ति काल और छायावाद में समता और विषमता के तत्व बताएं। दोस्तों, तो आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि भक्ति काल और छायावाद में कौन से ऐसे तत्व रहे हैं जो समता मूलक रहे हैं और ऐसे कौन से तत्व रहे हैं जो विषमता मूलक रहे हैं। सबसे पहली बात याद रखिए कि भक्ति काल या भक्ति आंदोलन मध्यकालीन लोक जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा कि भक्ति आंदोलन मध्यकालीन लोक जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति है, और उन्होंने ही छायावाद को लिखा आधुनिक जागरण की अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ है कि यदि भक्ति काल ने मध्यकालीन सामंती समाज की रूढ़ियों के विरोध में बिगुल फूंकने का काम किया, तो छायावादी साहित्य ने राष्ट्रीय पराधीनता को खत्म करने के लिए नवजागरण परक चेतना का सूत्रपात किया। दोस्तों, अर्थात दोनों ही साहित्य के केंद्र में जागरण है, लोक जागरण है। यदि गौर किया जाए तो भक्ति साहित्य में कहीं ना कहीं छायावाद की तरह ही कल्पनाशीलता है। भक्ति काल के रचनाकारों ने भी रामराज की कामना की थी, तो छायावादी रचनाकारों ने भी मुक्ति की कामना की थी। पंत जी ने लिखा कि छायावादी रचनाएं विश्व मुक्ति, मानव मुक्ति और भाव मुक्ति की है। बंधन विरोधी कविताएं छायावादी। तो दोस्तों, जिस प्रकार छायावादी रचनाएं बंधन विरोधी, औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ, सामंती बंधनों के खिलाफ, इनमें मुक्ति की कामना है, उसी प्रकार भक्तिकालीन रचनाओं में भी बंधनों से, जड़ताओं से मुक्ति की कामना है। अर्थात दोनों में कल्पनाशीलता है। भक्तिकालीन कविताएं यदि रामराज की कामना करती हैं तो छायावादी रचनाएं स्वाधीनता की कामना करती हैं। यह माना गया कि दोनों रचनाएं रहस्यात्मक शैली में लिखी गई हैं। यदि भक्ति काल की निर्गुण धारा को देखें तो निर्गुण साहित्य अपने आप में पूरी तरह रहस्यात्मक है, चाहे कबीर की रचनाएं हों, चाहे जायसी जैसे सूफियों की रचनाएं हों, दोनों में रहस्यात्मक चर्चा है। निर्गुण ब्रह्म की अनुभूतियों की रहस्यात्मक चर्चा की गई है, और छायावादी रचनाओं में भी रहस्यवाद। इसलिए आचार्य शुक्ल ने छायावादी रचनाओं के लिए लिखा कि इनमें अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। और यदि भक्ति काल की रचनाओं में देखें तो भक्ति काल के कबीर हों, जायसी हों, ये सभी एक रहस्यवादी, एक पारलौकिक जगत की चर्चा कर रहे हैं। यह माना गया कि जहां भी साधना का स्वरूप निर्गुण होगा वहां रहस्यात्मकता उत्पन्न होगी, और इसलिए रहस्यात्मकता कहीं ना कहीं जटिलता को भी उत्पन्न करती है। दोस्तों, भक्ति काव्य धारा और छायावादी धारा दोनों में
प्रतीकों का, लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया। समझिए, जब भी प्रतिपक्ष मजबूत होता है, शोषणकारी यदि मजबूत हो तो उसके खिलाफ अभिव्यक्ति सीधे और सपाट शब्दों में नहीं की जा सकती। इसलिए भक्ति काल की रचनाओं में भी अभिव्यक्ति की शैली प्रतीकात्मक है। कबीर आदि में उलट बांसियों का प्रयोग है। यदि देखा जाए तो सांसारिक कथन के विपरीत कथन को उलट बांसी कहते हैं, उल्टी वाणी। कबीर लिखते हैं, एक अचंभा देखा रे भाई, थाड़े सिंह चरावे गाई। लिखते हैं कबीर कि संतों अचरज एक भाव भारी, पुत्र धरल महतारी। और उनकी सबसे चर्चित उलटबांसी, बरसे कंबल भीजे पाए। ठीक इसी प्रकार छायावाद में भी अभिव्यक्ति की लाक्षणिक शैली है। आचार्य शुक्ल ने लिख भी दिया कि छायावादी रचनाएं विषय वस्तु की दृष्टि से यदि रहस्यात्मक हैं, तो शैली की दृष्टि से इनमें लाक्षणिकता है। समझ सकते हैं कि छायावादी रचनाएं भी दो प्रकार के बंधनों से लड़ रही थी। एक तरफ इनमें यदि औपनिवेशिक बंधनों के खिलाफ मुक्ति की छटपटाहट थी, तो दूसरी तरफ अभी भी सामंती जड़ताएं मौजूद थी। इसीलिए छायावादी रचनाएं एक तरफ औपनिवेशिक बंधनों के खिलाफ नवजागरण परक चेतना का स्वर उजागर करती हैं, तो दूसरी तरफ सामंती बंधनों के खिलाफ इनमें व्यक्तिवादी चेतना है। दोस्तों, ऐसी कई बातें रही हैं जो भक्ति काल और छायावाद को एक दूसरे के निकट लाती हैं। आलोचकों ने लिखा कि भक्ति काल में जो स्थान तुलसी की रचना रामचरितमानस को प्राप्त है, वही छायावाद में जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी को स्थान प्राप्त है। देखा जाए तो ऐसी रचनाएं मानवता के उज्जवल चेतना को उजागर करती हैं। दोनों रामराज और समरसता की स्थापना के उद्देश्य से लिखी गई हैं। कहीं ना कहीं देखें तो तुलसी की रचना में जो मानवतावाद है, जो राम राज्य का लोक मांगलिक विधान है, वही छायावादी रचना यानी कामायनी आप देखेंगे आनंदवाद है, या वही समरसतावाद है, वही प्रत्यभिज्ञवाद है। दोस्तों, यदि बात करें तो दोनों रचनाएं पुनरुत्थानवाद के स्वर से जुड़ी हुई हैं। यदि भक्ति काल की रचनाएं धार्मिक पुनरुत्थान को महत्व देती हैं, शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के जो पुनरुत्थान की कोशिश की थी, शंकराचार्य के प्रतिक्रिया में चार संप्रदाय उठ खड़े हुए, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, और इन्हीं संप्रदायों का भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर प्रभाव पड़ा। यानी भक्ति काल के जितने भी संत भक्त रचनाकार थे, कबीर हों, सूर हों, तुलसी हों, जायसी हों, ये सब कहीं ना कहीं धर्म का एक ऐसा रूप उजागर कर रहे थे, धार्मिक पुनरुत्थान की कोशिश कर रहे थे, धर्म सुधार की कोशिश कर रहे थे। कहा भी जाता है कि भक्ति आंदोलन कुछ और नहीं, धर्म सुधार आंदोलन है। ठीक इसी प्रकार छायावादी कविता भी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की कविता है, सांस्कृतिक जागरण की कविता है। दोस्तों, देखा जाए तो दोनों धाराओं में तत्समनिष्ठ शब्द हैं। छायावाद की भाषा तो अपने आप में तत्समनिष्ठ है, लेकिन भक्ति काल पर अगर विचार करें तो भक्ति काल में लोक चेतना के लिए लोक बोलियां आईं, लेकिन उन लोक बोलियों में भी संस्कृत के शब्द भरे हुए हैं। तुलसी की कविता संस्कृत और लोक बोली के मेल से ही लिखी गई। कबीर सबसे अनपढ़, लेकिन कबीर की कविता के पदों को आप देखें तो हर पंक्ति में संस्कृत के शब्द मिलेंगे, दर्शन के पारिभाषिक शब्द मिलेंगे। लिखते हैं, वैष्णव भया तो क्या भया, जाना नहीं बमेक। ये विमोक्ष से आया शब्द है बमेक। लिखते हैं, पार ब्रह्म को तेज का कैसा है उन्मान। जरा समझिए, उन्मान, पार ब्रह्म। तो देखा जाए तो दोनों धाराओं में संस्कृत के शब्दों का पुनरुत्थान हुआ। बेशक दोनों की चेतना लोक जागरण की रही हो, बेशक दोनों ने लोक बोली का सहारा लिया। यदि छायावाद की बात करें तो वहां भी खड़ी बोली है,
लेकिन उस खड़ी बोली में तत्समनिष्ठ भाषा है, क्योंकि अतीत के प्रति मोहाविष्ट दृष्टिकोण है और हमारा अतीत कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भाषा संस्कृत के प्रति भी अपने लगाव को दर्शाती है। दोस्तों, यदि बात करें कि और वो कौन से मुद्दे हैं जो भक्ति काल को छायावाद के निकट ले जाते हैं या दोनों में अंतर के तत्व भी क्या रहे, तो यह समझना आवश्यक है कि दोस्तों जो भक्तिकालीन रचनाएं हैं उनमें भी शोषण का विरोध है और जो छायावादी रचनाएं हैं वो भी शोषण के विरोध में लिखी है। देखा जाए तो दोनों में एक विश्व दृष्टि कार्य कर रही है, एक मानवतावादी दृष्टि कार्य कर रही है। यदि भक्तिकालीन रचनाएं घृणा अपमान सामाजिक हिंसा के विरोध में प्रेम की चर्चा करती हैं, कबीर कहते हैं ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो छायावादी रचनाएं भी मानवता विश्व मानवता की बात करती हैं, समरसता की बात करती हैं, सामंजस्य की बात करती हैं। चाहे तुलसी की रचना हो या छायावादी रचनाओं में देखें जयशंकर प्रसाद और निराला, ये रचनाएं एक विशेष राग में लिखी गई, ये समाज को जोड़ने के लिए लिखी गई। दोनों धाराओं में चाहे भक्ति काल हो चाहे वो छायावाद, सामाजिक एकता की बात की गई, शोषित पीड़ित के उत्थान की बात की गई। दोस्तों, यह माना गया कि जिस प्रकार छायावादी रचना में मय शैली है, अभिव्यक्ति की मय शैली व्यक्तिवाद है, छायावाद के सभी रचनाकारों ने चाहे निराला हो, प्रसाद हो, पंत हो या महादेवी वर्मा, सभी मय शैली की बात करते हैं। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, निराला जी की रचना दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो मैं नहीं कही। चाहे आप जयशंकर प्रसाद की रचना को देखें, सुनकर सुख पाओगे जानोगे यह गागर रही। ये जो मय शैली है यह भक्ति काल की रचना में भी देखी है। यदि बात करें भक्ति काल के रचनाकारों की, तो आप देखें कबीर कहते हैं कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम। आप बात करें तुलसी की, तो तुलसी लिखते हैं हो तो चाकर राम को पढ़ो लिखो दरबार, हो यानी मैं। मीरा की बात करें भक्ति काल में, तो माई री मैं तो प्रेम दीवानी, ये सभी मय शैली अपनी पीड़ा से समाज की पीड़ा को तलाशने का नाम ही मय शैली है। व्यक्तिवाद के माध्यम से ये समाज से जुड़ते हैं। इनकी धारणा थी जाके पैर ना फटे बेवाई सो क्या जाने पीर पर। चाहे भक्तिकालीन रचनाकार हूं या छायावादी, ये व्यक्तिगत जीवन में सभी कहीं ना कहीं उत्पीड़न का दंश झेले हुए थे। भक्तिकालीन रचनाकारों ने सामाजिक अपमान अभाव उपेक्षा का दंश झेला था। कबीर जैसे संत जिन्हें मंदिर प्रवेश की अनुमति नहीं थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था, जुलाहा जाति में पले बढ़े। तो यदि छायावादी रचनाकारों की भी बात करें तो उन्होंने भी अभाव उपेक्षा को देखा था। उस समय के सामंती औपनिवेशिक बंधनों के शिकार थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। अगले वीडियो तक बने रहें, अगले वीडियो में हम कुछ अन्य मुद्दों की बात करेंगे। तब तक नमस्ते दोस्तों।